जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, ये क्लास ट्वेल्थ में जो कंपनी अकाउंट है उसमें दो चैप्टर हैं आपका, एक शेयर है और दूसरा डिवेंचर होता है। तो जिस प्रकार से आपने शेयर इशू के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें शेयर इशू जो होता है एट पार भी होता है, एट प्रीमियम भी होता है, शेयर इशू अदर देन कैश भी होता है, सिमिलर टाइप का क्या होता है डिवेंचर में भी होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना आता है कि जहाँ पर आपने शेयर में शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, डिवेंचर जब इशू किया जाता है तो वहाँ पर परसेंटेज, जो भी डिवेंचर का परसेंटेज होता है, परसेंटेज डिवेंचर वर्ड यूज़ किया जाता है, राइट। लेकिन डिवेंचर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये फ्यूचर में क्या होता है, इनको रिडीम करना पड़ता है। तो जब रिडीम किया जाता है तो रिडीम करने के टाइम में उसकी कंडीशन रहती है, तो उसी से रिलेटेड अपन अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है ना। मीन्स हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमें जो डिवेंचर को रिडीम करना है तो किस टाइप से रिडीम होगा, एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा, राइट। तो इसकी कॉम्बिनेशन है, केस नंबर वन है इशू डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। दूसरा है डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। तीसरा है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मीन्स आपने पार पे प्रीमियम किया है और पार पे ही रिडीम किया तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू किया है पार पे रिडीम करेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट पे इशू किया है और पार में आप क्या करेंगे, रिडीम करेंगे तो क्या होगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट, राइट। अब यदि हम इसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, इन तीनों को, एट पार वाले इशू को भी प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है, प्रीमियम वाले को भी प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है और डिस्काउंट वाले को भी प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है। तो एक एक केस को अपन करेंगे। पहला केस है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मीन्स जितने का डिवेंचर आपने इशू किया था सेम अमाउंट पे हमने क्या कर दिया है, उसको रिडीम कर दिया है। तो एक इमेजिन करके क्वेश्चन किया है कि इफ़ ए डिवेंचर ऑफ रुपी 100 ईच इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट रुपी 100, यानी कि पार, मतलब 100 रुपये के डिवेंचर को बाद में आपने 100 रुपये ही रिडीम किया है 100, राइट। तो एट पार का मतलब है कि जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने पे आपने इशू किया है सेम अमाउंट पे हमने उसको रिडीम भी कर दिया है। तो बस इसी को क्या किया है, इमेजिन करके ये सारी कंडीशंस को क्या किया गया है, जनरलिटी के बेस पर क्लियर करना है। तो पहला हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट रुपी 100 एंड 100, राइट। फिर इसकी दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफ़र करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू परसेंटेज डिवेंचर। तो यहाँ पर डिवेंचर में हमने कोई भी परसेंटेज इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि एग्जांपल बेस पर है। क्वेश्चन में जो भी डिवेंचर के साथ परसेंटेज मेंशन होगा, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, मीन्स जो परसेंटेज क्वेश्चन में डिवेंचर में मेंशन होगा वही यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, आपका परसेंटेज, राइट। तो ये पहली कंडीशन है इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। दूसरा है आपका कि आपका 100 का जो डिवेंचर है, रुपी 100 डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब हमने जो इशू किया है डिवेंचर को किस पे किया है, अब प्रीमियम पे इशू किया है। तो जो हमारा 100 वाला डिवेंचर था अब उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, 110। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट, पहली। दूसरी बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। SPR का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जो 110 रुपी आपको एप्लीकेशन अलाटमेंट में मिला था उसमें से डिवेंचर मनी कितने की हो गई, 100, और प्रीमियम कितना हो गया उसका, 10, राइट। इसी की तीसरी कंडीशन बनती है कि आपने डिवेंचर इशूड एट 4% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि जो आपका 100 वाला डिवेंचर था, राइट, अब वो जो 100 वाला डिवेंचर है वो कितने में करेंगे अपन इशू, 4% के डिस्काउंट पे। तो अब 100 में 4% डिडक्ट कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, 96। तो वो 96 के बेस पर हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट
तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट कितना हो गया 96 एंड 96। दूसरी एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए, किया जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलाटमेंट अकाउंट डेबिट 96, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ₹4 एंड 2, परसेंटेज डिवेंचर कितने का 100 के डिवेंचर में 96 आपका एप्लीकेशन अलाटमेंट में चले गए और ₹4 कहाँ चले गए आपके डिस्काउंट में चले गए, राइट। तो ये पहला पार्ट हमने अभी देखा कि जो डिवेंचर हमारा इशू एट पार, रिडीम एट पार। दूसरा देखा इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। और थर्ड हो गई आपका इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि जो इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाले को जब हम रिडीम करेंगे एट पार तो क्या होगा, राइट। जय गुरुदेव।